हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। गणित विषय में हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है घातांक तथा घनमूल। घातांक तथा घनमूल इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। इसमें प्रमेय घातांक वाली संख्याओं का क्या अर्थ है सीखेंगे। घन तथा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो देखते हैं पाठ को। कुछ बातें हमें जो है जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर हम जो है जानते हैं। जैसे इस पर थोड़ा सा विचार करना है। 5 × 5 × 5 चार बार यहाँ पर लिखा गया है, इसको देख सकते हैं। यानी गुणन के रूप में 5 को 4 बार लिख करके इसका अर्थ क्या होता है। यानी 5 के ऊपर 4 लिखते हैं तो जो है यहाँ पर 5 क्या हो गया, आधार हो गया। और ऊपर जो 4 लिखते हैं उसको हम घातांक कहते हैं। यानी गुणे में कोई संख्या लिखी रहती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 यहाँ पर आधार हो गया। 5 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 बार आया है। 4 ऊपर लिखा है, इसको हम घातांक कहते हैं। तो इस तरह से इसका हम वाचन कैसे करते हैं, 5 का घातांक 4 या 5 घाते 4, इस तरह से इसका हम वाचन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं घातांक के कुछ नियम भी होते हैं। यदि यम तथा यन कोई पूर्णांक संख्या हो तो जो है घातांक के नियम क्या है तो देखते हैं। पहला नियम है ए का घातांक यम गुणे ए का घातांक यन, यानी आधार जो है ये है, दोनों का घातांक अलग अलग है। घातांक अलग अलग है तो हम घातांक को क्या करेंगे, गुणे रहता है तो घातांक को जोड़ दिया जाता है, अर्थात ए घाते यम धन यन हो जाएगा। दूसरा है सवाल इसमें, यम का घा ए का घातांक यम भागे ए का घातांक यन, यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ पे भाग देना है तो हम इसको घटा देंगे, अर्थात ए का घातांक यम ऋण यन हो जाएगा। इस तरह से ये जो है दूसरा नियम है। तीसरा नियम है ए गुणे बी, ब्रैकेट बंद, बाहर जो है यम घातांक है, यानी ब्रैकेट के बाहर घातांक है तो इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा ये जो है यम घातांक ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। इसका अर्थ हो गया ए का घातांक यम गुणे बी का घातांक यम। चौथा नियम है ए का घातांक अगर 0 है तो इसका अर्थ होता है 1, यानी ए का घातांक 0 = 1 होता है। और पांचवा नियम है ए का घातांक ऋण यम, अगर ऋणात्मक लिखा है घातांक तो इसका अर्थ होता है 1/a का घातांक m, यानी जो भी संख्या है वो नीचे हो जाएगी और 1 ऊपर हो जाएगा, बटे में लिखा जाएगा 1/a का घातांक m। इसके बाद छठा नियम है ए का घातांक यम ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर घातांक लगा हुआ है यन, तो क्या होगा इसका अर्थ। इसका अर्थ होगा कि दोनों का गुणा हो जाएगा, 1 a का घातांक m n, अर्थात यम गुणे यन हो जाएगा। सातवां नियम है अगर कोई संख्या a/b में लिखी गई है, यानी ये बटे में लिखी गई है और ब्रैकेट के बाहर घातांक लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा ये अंश और हर दोनों पे घातांक हो जाएगा, अर्थात a का घातांक m/b का घातांक m, दोनों पे घातांक लग जाएगा। आठवां नियम है a/b का घातांक जो है पूरे ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक लिखा हुआ है, अगर घातांक ऋणात्मक होगा तो ये अंश और हर का स्थान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a/b था तो इसको हम b/a लिख करके घातांक यम लिखेंगे और ऋण हट जाएगा। इस तरह से जो है ऋणात्मक संख्याओं में चेंजेज होते हैं। तो चलो घातांक के नियम के आधार पर कुछ हम उदाहरण को हल करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है 3 का घातांक 5 × 3 का घातांक 2। यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट में क्या आएगा कि पहले नियम के अनुसार घातांकों को जोड़ा जाता है, इसलिए 5 और 2 मिला के 7 होता है, इसलिए यहाँ पे फिर 7 लिखेंगे। दूसरा सवाल है 7 का घातांक 3 का घातांक 7 / 3 का घातांक 9, इसका अर्थ क्या होगा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे। तो इस भाग में क्या होता है, भाग में घटाया जाता है घातांकों को, लेकिन यहाँ पे 7 में से 9 नहीं घट रहा है तो 7 ऋण अगर हम 9 लिखते हैं तो ये 9 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर 9 में से 7 घटा के ऋणात्मक लिखेंगे। 9 ऋण 9 ऋण 7 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो यहाँ पे ऋण 2 आ जाएगा। 7 9 में से 7 घटाया 2, लेकिन यहाँ पे ऋण लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है 3 का घातांक 4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर 5, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि
कि तीन का घातांक क्या आएगा, तो हम जैसा इस नियम में पढ़े थे कि जो घात ब्रैकेट के अंदर संख्या है और उसका गुणा बाहर की संख्या से हो जाएगा, यानी चार और पाँच का गुणा हो जाएगा। तो चार और पाँच का गुणा करेंगे तो चार पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगली संख्या यानी चौथी संख्या है, पाँच का जो घातांक है ऋणात्मक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं में जो है एक बटे हो जाता है एक बटे, और ये नीचे जो संख्या है वो ऋण हटा के लिख दी जाएगी, एक बटे पाँच का घातांक 3। अगली संख्या जो पांचवा है, पाँच का घातांक 0 बराबर 1 हो जाएगा, पाँच का घातांक 1, यानी यहाँ पे पाँच का घातांक 0 है तो इसका तात्पर्य हो जाएगा 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अगली संख्या जो है पाँच का घातांक 1 है, तो 1 का घातांक है इसलिए जो है यहाँ पर इसका अर्थ होता है 5, यानी 5 ही रहेगा जो मूल्य है वही रहेगा। अगला सवाल है 5 × 7, इसका ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है घातांक, इसका अर्थ है ये 2 घातांक दोनों पर हो, दोनों संख्याओं पर 5 और 2 7 दोनों पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ 5 का घातांक 2 × 7 का घातांक 2 दोनों जगह लिख देंगे। अगला सवाल है 5/7 का घातांक 3, तो यहाँ पे बटे में लिखा गया है तो ये घातांक अंश और हर दोनों में लग जाएगा, इसलिए 5 का घातांक 3 और 7 का घातांक भी 3 लिख दिया जाएगा। अगला सवाल है 5/7 ब्रैकेट बंद, इसके बाहर जो है ऋणात्मक घातांक का ऋण 3 लिखा है, ऋणात्मक में जो है अंश का हर हो जाता है, हर का अंश स्थान बदल जाएगा तो ऋण हट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5/7 की जगह 7/5 ब्रैकेट बंद और घातांक 3 लिख देंगे, ऋण हटा देंगे। इस तरह से ये सवाल हल कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं, परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ क्या होता है। इस तरह जो परिमेय घातांक वाली संख्याएं होती हैं यानी बटे में होती हैं उसका अर्थ क्या होता है। संख्या का घातांक यदि 1/n यानी परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में हो तो इसका अर्थ क्या होगा। तो किसी संख्या का वर्ग दर्शाने के लिए उसके घातांक के रूप में संख्या 2 थोड़ी छोटी लिखते हैं, यानी किसी संख्या को वर्ग लिखना है जैसे 9 का वर्ग लिखना है तो उसके ऊपर जो है उसको सब संख्या को थोड़ा छोटा लिखते हैं, देखने में 9 से 2 छोटा लगे और ऊपर थोड़ा दर्शाया जाता है, तो इस तरह से हम वर्ग दर्शाते हैं। 9 का घातांक 2 लिख दिए, इसका अर्थ हो गया 9 का वर्ग, 9 का वर्ग। आगे हम देखते हैं इसी तरह वर्गमूल यानी 9 का वर्ग, वर्गमूल दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो वर्गमूल दर्शाने के लिए उसी घातांक में हम अगर 1/2 लिखते हैं, इस तरह से हम 1/2 लिखते हैं, वर्ग दर्शाने के लिए घातांक 2 लिखते हैं लेकिन वर्गमूल दर्शाने के लिए घातांक 1/2 लिखते हैं। इस उदाहरण के लिए 9 का घातांक 1/2 हो गया, इसका अर्थ हो गया 9 का वर्गमूल, और इसकी जगह पे हम एक चिन्ह बना है इसको कर्डी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल करके लिखते हैं कर्डी में 9, तो भी जो है हम ऐसा लिख सकते हैं कर्डी में 9, इसका भी अर्थ वही होगा 9 का वर्गमूल, या इसे हम जो है 9 का घातांक 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो साधारणतः ये इस संख्या का वर्ग यानी ये का वर्ग ऐसा लिखते हैं, तो ये का वर्गमूल यानी कर्डी में ये और यहाँ पे बाहर 2 लिखते हैं ऐसा, या तो केवल 2 केवल ए लिखते हैं कर्णी के बाहर, 2 लिखना आवश्यक इसमें नहीं है, या तो ए का घातांक 1/2 लिखते हैं। इसका सभी का अर्थ है कि संख्या ए का वर्गमूल निकालना, संख्या ए का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल लिखने के निकालने के लिए या वर्गमूल लिखने के लिए कर्णी इसका उपयोग किया जाता है लेकिन बाहर यहाँ 2 नहीं लिखा जाता है। इसी प्रकार संख्या ए का घन यानी ए का घातांक 3 ऐसा लिखते हैं, तब ए का घनमूल क्या हो जाएगा कर्णी में ए, बाहर 3 लिखा जाएगा तब जो है घनमूल निकाला जाएगा, या तो ए का घातांक 1/3 लिखते हैं, इसका मतलब हो गया घनमूल निकालना। तो साधारणतः ए का यनवा मूल, ए का यनवा मूल अर्थात ए का घातांक 1/n ऐसा लिखा जाएगा। अगर संख्या ए का यनवा मूल निकालना है तो ये लिख करके घातांक 1/n लिखेंगे, कोई भी संख्या, n मतलब कोई भी संख्या होनी चाहिए, होगी जो भी संख्या होगी उतना मूल होगा, 1 हो, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी रहेगा। तो आगे सवाल के माध्यम से देखते हैं, 125 का घनमूल, घनमूल यानी घातांक 3 में 1/3 लिखेंगे,
तो 125 का घनमूल अर्थात 125 को घातांक में 1/3 लिख देंगे, या करणी में 125 लिख के उसके बाहर 3 लिखेंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 125 का घनमूल निकालना है। उसी तरह 729 का छठा मूल, तो ब्रैकेट में 729 का घातांक 1/6 लिख देंगे तो छठा मूल ज्ञात करेंगे, या करणी में 729 लिख के बाहर 6 लिखेंगे। इसका अर्थ हो गया कि 729 का छठा मूल ज्ञात करना। उसी तरह 576 का घातांक 1/7 है, तो इसका अर्थ तात्पर्य हो गया कि 576 का हमें सातवां मूल ज्ञात करना है। इसी तरह 800 का घातांक 1/10 है, इसका तात्पर्य हो गया कि 800 का 10वां मूल ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न संग्रह 3.1 के सवालों को देखेंगे। जो स्वाध्याय दिया गया है, घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याओं को लिखो। इसमें घातांक में इसको लिखना है 13 का 5वां मूल, 13 का 5वां मूल यानी 13 का घातांक 1/5 इस तरह से लिख देंगे। 9 का 6वां मूल यानी 9 का घातांक 1/6 इस तरह से लिख देंगे। 256 का वर्गमूल यानी 256 को घातांक लगा देंगे 1/2, तो हो जाएगा वर्गमूल। इसी तरह से 17 का घनमूल यानी 17 का घातांक 1/3 लिखेंगे, तो हो जाएगा 17 का घनमूल। इसी तरह 100 का 8वां मूल तो 100 का घातांक 1/8 लिखेंगे, ये जो है 100 का 8वां मूल हो जाएगा। इसी तरह 30 का 7वां मूल तो 30 का घातांक 1/7 लिख देंगे, ये हो जाएगा 30 का 7वां मूल। दूसरा सवाल इसमें है, दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या के कौन से मूल हैं? तो यहाँ पे सवाल दिया गया है 81 और का घातांक है 1/4, तो ये क्या हो गया, 81 का ये चौथा मूल है, क्योंकि यहाँ पे 4 दर्शाया गया, 1/4 है जो है घातांक में। अंश अगर 1 है और नीचे जो भी संख्या रहेगा उतना मूल, नीचे की यानी संख्या जो है मूल दर्शाती है, ऊपर की संख्या घातांक दर्शाती है। तो 81 का घातांक 1/4 का अर्थ हो गया 81 का 4वां मूल। उसी तरह 49 का घातांक 1/2 इसका अर्थ हो गया 49 का वर्गमूल। और इसी तरह 15 का घातांक 1/5 है, इसका अर्थ हो गया 15 का 5वां मूल। इसी तरह चौथा है 512 का घातांक 1/9, इसका अर्थ हो गया 512 का 9वां मूल। इसी तरह 100 का घातांक 1/19 है, इसका अर्थ हो गया 100 का 19वां मूल। उसी तरह 6 का घातांक 1/7 है, इसका अर्थ हो गया 6 का 7वां मूल। तो इस तरह से ये जो है हम एक्सरसाइज जो है देख सकते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज यानी 3.1 खत्म होता है। इसके आगे हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो है संख्या की घातांक के स्थान पर हम यम तथा यन के स्वरूप में अगर परिमेय संख्याएं हों तो ऐसी संख्या का क्या अर्थ होता है? तो अगर हम जानते हैं कि 8 का वर्ग अर्थात 64 होता है, 8 × 8, उसी तरह 64 का घनमूल निकालना होगा तो 64 का घातांक 1/3 यानी इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग का घनमूल निकालना, दोनों का अर्थ जो है 4 होगा, या 64 का घनमूल 1/3 लिखेंगे इस तरह से तो भी इसका घनमूल 4 होगा, या 8 के वर्ग का घनमूल, 64 मतलब होता है 8 का वर्ग, इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए 8 के वर्ग का घनमूल, 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 4 होगा। इसी प्रकार 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बराबर 8 का घातांक 1/3 बराबर 2 होगा। तो इसलिए 8 के घनमूल का वर्ग यानी 8 के घनमूल का वर्ग यानी 8 का घातांक 1/3 लिख करके उसके बाहर हम 2 लिख देंगे, तो इसका अर्थ हो गया 8 के घनमूल का वर्ग कितना आएगा, यानी 8 का वर्ग कितना होता है, 8 बराबर कितना होता है, 2 के वर्ग के बराबर अर्थात 2 का वर्ग अर्थात 4। 2 का वर्ग यहाँ पे उत्तर हमें आ जाएगा, 2 का वर्ग अर्थात 4। तो 8 के वर्ग का घनमूल, 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 8 के घनमूल का वर्ग, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 8 के घनमूल का वर्ग। चाहे हम वर्ग का घनमूल कहें या घनमूल का वर्ग कहें, दोनों बातें एक ही हैं। इसलिए हम 8 के वर्ग का घनमूल इस तरह लिखेंगे, 8 का वर्ग, 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 8 के घनमूल का वर्ग, इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इस आधार पर हम घातांक की संख्या के यानी 8 का 8 घातांक 2/3 इसका क्या अर्थ है, इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। 8 का घातांक 2/3 का अर्थ हो गया 8 के वर्ग का घनमूल,
आठ की वर्ग का घनमूल, आठ की वर्ग का घनमूल। और दूसरी तरह से हो जाएगा, आठ का घातांक 2/3 का अर्थ हो गया एक, आठ का घातांक 1/3 ब्रैकेट के बाहर जो है घातांक 2 लगा है, तो इसका अर्थ हो गया आठ के घनमूल का वर्ग, आठ के घनमूल का वर्ग। तो इस तरह से दो तरह से इसका मूल्य लगाया जा सकता है, तो आठ के वर्ग का घनमूल या कहेंगे आठ के घनमूल का वर्ग, इस तरह से इसको हम वाचन कर सकते हैं। इसी प्रकार 27 का घातांक 4/5 है, इसका अर्थ हो गया 27 के चौथे वर्ग का पांचवा मूल, 27 के चौथे घात का पांचवा मूल। घातांक 4 है, इसलिए कहेंगे 27 के चौथे घात का पांचवा मूल। और इसका दूसरे तरह से क्या कहेंगे, 27 का घातांक 4/5 बराबर 27 का जो है घातांक 1/5 ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा है, इसका अर्थात क्या हो गया, अर्थ है 27 के पांचवें मूल का, 27 के पांचवें मूल का चौथा घात। इस तरह से इसका हम अर्थ समझते हैं। तो दो तरह से संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं, ए का घातांक यम बटे यन इस तरह लिखा है, इसका अर्थ हो गया ए का घातांक यम बाहर 1/n अर्थात ए की यमवें घात का यनवा मूल, इस तरह से दर्शाती हैं। या ए का घातांक यम बटे यन लिखा है अर्थात ए का घातांक 1/9 1/n जो का घातांक यम अर्थात ए की यनवे मूल का यमवा घात, ऐसा दर्शाते हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 3.2 के कुछ सवालों को भी। संख्या तीन तालिका देखेंगे, एक तो संख्या है, दूसरे में कौन से मूल का कौन सा घात है, तीसरी कॉलम में कौन से घात का कौन सा मूल है, ये दर्शाना है। तो पहला संख्या है 225 का घातांक है 3/2, तो हमें कौन से मूल का कौन सा घात लिखना है, पहले मूल लिखना है। तो 225 के वर्ग मूल का घन, यहाँ पे हम लिखेंगे 225 के वर्ग मूल का घन, पहले नीचे वाला संख्या यहाँ दर्शाना है, तो नीचे 2 है तो वर्गमूल हो गया 225 के वर्गमूल का घन। और कौन से घात का कौन सा मूल है, तो 225 के घन, घात यानी 3 है इसलिए इसको घन पढ़ेंगे, 225 के घन का वर्गमूल, मूल वर्गमूल नीचे 2 है इसलिए इसको वर्गमूल कहेंगे, इन पर 3 है इसलिए इसको घन कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, तो 225 के घन का वर्गमूल। अगला सवाल है 45 का घातांक 4/5 है, तो इसका अर्थ हो गया 45 के पांचवें मूल का चौथा घात, 45 के पांचवें मूल का चौथा घात। और दूसरे तरह से कैसे कहेंगे, 45 के चौथे घात का पांचवा मूल, तो इस तरह दोनों तरफ से इसका वाचन होगा। और कुछ और सवाल दिए गए हैं, अगला सवाल इसमें जो दिया है उसको देखेंगे, 81 का घातांक 6/7 है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला प्रकार जो है 81 के सातवें मूल का, इसमें मूल बताना है, 81 के सातवें मूल का, सात नीचे है सातवें मूल का छठा घात। दूसरे तरह से वाचन करेंगे तो 81 के छठे घात का सातवां मूल, और दूसरे तरह से करेंगे दूसरा सवाल देखेंगे, 100 का घातांक 4/10 है, तो इसका अर्थ हो गया 100 के दसवें मूल का चौथा घात। अगली पर दूसरे तरह से कहेंगे, 100 के चौथे घात का दसवां मूल। अगला सवाल है 81 का घातांक 3/7, यानी 81 के सातवें मूल का तीसरा घात, क्या 21 के, यहाँ पे 21 लिखा है, 21 का घातांक 3/7 लिखा है अर्थात 21 के सातवें मूल का तीसरा घात अर्थात 21 के तीसरे घात का सातवां मूल, इस तरह दर्शा सकती हैं। परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो, यहाँ पे सवाल दिया गया है, इसको परिमेय घातांक के रूप में लिखना है। पहला सवाल है 121 के पांचवें घात का वर्गमूल, तो कैसे इसको जो है संख्या में लिखेंगे, परिमेय घातांक के रूप में 121 लिखना है, 121 लिख दिए, पांचवें घात का वर्गमूल, पांचवें घात का ऊपर 5 आएगा, वर्गमूल बताना है इसलिए नीचे 2 आएगा, इस तरह से लिखेंगे 121 का घातांक 5/2। अगला सवाल है 324 के चौथे मूल का घन, 324 के चौथे मूल का घन, तो हमें 324 लिखना है, और यहाँ पे इसका चौथा मूल यानी नीचे 4 लिखना है घातांक में, ऊपर जो है इसका घन बताना है इसलिए 3 लिखना है, तो 324 जो है का घातांक 3/4 लिखा जाएगा।
264 की वर्ग का पांचवा मूल, 264 की वर्ग का पांचवा मूल, तो 264 लिख के हम जो है इसका पांचवा मूल बता रहे हैं, इसलिए नीचे पांच आएगा, और वर्ग का यानी घातांक दो दिखाना है, तो 264 का घातांक 2/5 हो गया। अगला है तीन के घनमूल का घन, तो यहाँ पे घनमूल यानी बटे में तीन आएगा, और ऊपर भी घन बताना है इसलिए ऊपर भी तीन आएगा, तो 3 का घातांक 3/3 लिखा जाएगा। इस तरह से जो है ये सवाल जो स्वाध्याय में है ये पूरा होता है। अगला जो एक्सरसाइज है 3.3 वो हम दूसरे सेशन में देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।